ये स्क्रिबलिंग रोबोट एक जबरदस्त खिलौना है। इसके अंदर एक एक्रिलिक की शीट है जिसके चारों पैर स्केच पेन है। उसके ऊपर एक मोटर माउंटेड है ऑफ सेंटर, और जब मोटर को ऑन करते हैं तो वो घूमता है और चारों स्केच पेन एक नमूना बनाते हैं। इसके लिए आपको एक एक्रिलिक की शीट चाहिए जिसके चारों कोनों पे एक एक छेद हो। इसमें एक 3 वोल्ट का टॉय मोटर माउंटेड है और ये बैटरी का पैक है। सबसे पहले आप 1.5 वोल्ट की 2 बैटरियां इस पैक में लगाएं और मोटर के दोनों टर्मिनल्स जो हैं वो बैटरी के साथ में जुड़े हुए हैं। उसके बाद में एक 5 सेंटीमीटर का रबर का टुकड़ा ले और उसके एक सिरे को आप मोटर के शाफ्ट में लगा दें। ये हमारा ऑफ सेंटर शाफ्ट होगा, यही इस प्लेटफॉर्म को कंपन देगा। उसके बाद में चारों स्केच पेंस को आप इस एक्रिलिक शीट के चारों छेदों में घुसाएं। ये एक तरह की मेज बनेगी जिसके चारों पांव जो हैं स्केच पेंस होंगे। बस ये ध्यान रखें कि चारों स्केच पेंस एक ही ऊंचाई पे आप उनको गोंद लगा के चिपका दें। अब हमारा मॉडल तैयार है। आप एक कागज का बड़ा सा शीट एक मेज के ऊपर रखें, उसके बाद में चारों स्केच पेंस की नोक को इस सफेद शीट पर रखें, मोटर ऑन कर दें। अब क्योंकि इसके ऊपर वो शाफ्ट लगा है, ऑफ सेंटर शाफ्ट है, ये प्लेटफॉर्म कंपन करेगा और पूरा का पूरी ये मेज जो है वो हल्के हल्के एक गोल में घूमेगी कंपन के द्वारा, और ये चारों स्केच पेन एक बहुत ही सुंदर नमूना बनाएंगे कागज के ऊपर। आप यहाँ देख सकते हैं कि रंगीन गोले बना रहा है ये स्क्रिबलिंग रोबोट।